hello everyone. मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ. आई बीन अ ह्यूज करिश्मा कपूर फैन. उनका ये कमबैक है तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ मैं. एंड वुमेंस डे आ रहा है, सो यू नो इट इज सो इंस्पायरिंग टू सी मदरहुड एंड व्हाट ऑल यू नो मॉम्स दे रियली गो थ्रू टू ग्रो देयर चाइल्ड. सो इट्स एक्चुअली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. द टॉपिक लुक्स वेरी फ्रेश. करिश्मा मैम, आई बीन अ ह्यूज फैन. यू नो शी इज सो ब्रिलियंट. And seeing her again acting, it's a treat altogether. And I really can't wait to see the whole. When I saw the promo first, actually, I called up my mom. क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं हमें पता नहीं चलता है वो इतनी struggles होती हैं उनकी life में. लेकिन जब मैंने promo देखा तो मैंने उनको call की mom, मतलब एक nostalgic सी feeling आने लगी. काफ़ी अच्छा लग रहा था और बहुत बहुत excited हैं हम सब लोग. हमारी पूरी class आ जाइए यहाँ पर. और yeah, looking forward to it. Yeah. जी जी जी. अभी तो विंटर एडिशन भी आ रहा है इसका. विंटर सीजन आ रहा है. बहुत ही एक्साइटेड. यू नो इट फील्स सो गुड व्हेन व्हाटएवर यू वर्क. पता चला एक्चुअली कि काफी रिकॉर्ड टूट गए और यूथ की नंबर वन सीरीज बन चुकी है ये. तो एंड वी गोना स्टार्ट शूटिंग अप्रैल आई गेस मोस्टली फॉर अनदर एडिशन. डैम नाइस यार. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और इतना अच्छा रिस्पॉन्स है कि उसको देखते हुए और भी अच्छा लग रहा है कि और आएगा और काम करेंगे सर. वो हमेशा हमारे साथ है. ये क्लास आई है आज तो. या ही इज आल्सो कमिंग नाउ. ही वी ऑल थॉट वी कम टुगेदर बट ही इज नॉट रीच्ड हिज यट. ब्लू जीतने वाले हम पक्का. Of course, you know, we really want to move out to the ladies. You know, I hope. बहुत अच्छा कर रहे हैं. बहुत सारे रिकॉर्ड हैं. और जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम हमारी डेफिनेटली जीतेगी. It's you know Women's Day है and it is a double treat. Hardik आ चुके हैं. So it's a double treat. The match is there and it's Women's Day. So I'm definitely gonna celebrate it watching the match. And yeah. Thank you.
talk yesterday. Ask us anything. हमारे अपने शो की तारीफें करें. हाँ, अपने शो की तारीफ करें, तुम करो. कैसा लगा तुम्हें आपका ट्रेलर? आपको कैसा लगा? हम कैसे बता सकते हैं? तो आपको बताना पड़ेगा. You know, working with everybody was amazing. All of us had a great time. So I'm quite excited to have worked with everyone, and I hope you enjoy it as much as we enjoyed it. Thank you. यार आप चार पांच औरतों को डाल दो एक कमरे में, एंड चार पांच औरतें जो मतलब जिन्होंने यू नो they've done different kinds of work and have different kinds of experience, and when we all came together there was such a sense of camaraderie, and that working was quite like you know it was really fun, and it was a really an easy experience. Aur hamare jo director hai unka naam bhi Karishma hai, and she was really really wonderful to work with, so it was great fun. Thank you. पूछा जाएगा क्या? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत ही अच्छा रिस्पांस है. आई थिंक हमारे साथ आप सब भी इतने एक्साइटेड है जितने हम हैं ये शो को आपके सामने लाने के लिए. आई वॉज रियली वेरी वेरी हैप्पी एंड वेरी ग्रेटफुल बिकॉज यू नो इट्स वंस इन अ लाइफ टाइम दैट यू गेट टू शेयर a frame with such wonderful actors, you know, on one project. I'm really blessed. Yeah. अच्छा लग रहा है, सिनेमा जैसा ही लग रहा है, बिल्कुल सिनेमा से ज़्यादा. Thank you. हाय. सो मेरा कैरेक्टर जो है वो जिगर का है, श्रुति सेठ का हस्बैंड यानी कि दीक्षा का हस्बैंड मैं प्ले कर रहा हूँ. तो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि कैसे मेरी और उसकी पेरेंटिंग की तरीके अलग अलग हैं. तो इसी बीच में हमारे थोड़े से इश्यूज हो जाते हैं, एंड उसी पर देखिए अब आप पसंद आएगा. हाय, I'm playing Preeti's husband. My character's name is Gaurav. I'm really excited for this show because it's one of the different shows in India which shows the problems and the real life issues that moms go through. So we have played a vital part here and I'm really excited for this. Thank you. और भी
कोई सवाल के पहले मैं बता दूँ, आई एम सुपर एक्साइटेड मेंटल हुड के लिए एंड इट्स ऑल्ट बालाजी, इट्स होम, सो आई एम हियर टू सपोर्ट मेंटल हुड. बहुत मज़ा आया इसमें, इतने माइंड ब्लोइंग एक्टर्स है, फ्रॉम माई फेवरेट करिश्मा कपूर टू संध्या मृदुल, एवरी वन इन फैक्ट, यू नो आई एम अ बिग फैन ऑफ द वे दे आर, सो हियर आई एम टू एंजॉय द शो. यस एंड सो गुड ना, इतने सारे एक्टर्स को मौका दे रही है ऑल्ट बालाजी, सो कूडोज टू टीम ऑल्ट बालाजी एंड एकता. सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ आउट देयर फॉर एक्टर्स टुडे. एक मूवी के लिए इंतज़ार करते करते ये नहीं है, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ व्हेन इट कम्स टू वेब, सो सो लुकिंग फॉरवर्ड. टुडे इज़ अ बिग डे, ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, आई रिसीव्ड एन अवार्ड एज द मोस्ट वर्सटाइल टीवी एक्टर, सो आई वॉज लाइक रियली हैप्पी. इट्स अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे और ये मेंटल हुड भी बहुत सही वक्त पर रिलीज हो रही है, सो थैंक यू सो मच, बाय. किसी को कुछ असर ही नहीं हुआ जी, मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ, एक्टिंग को लेके मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, हाँ एक्टिंग को लेके मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, और ये तो खासतौर पर मेंटल हुड जब कहानी लेके आए मेरे सामने मेरे पास, तो मैं बहुत खुश था, बिकॉज एक तो ये शो, ये वेब सीरीज़ जिस तरह मैं किरदार निभा रहा हूँ इसमें, बहुत बेहतरीन किरदार है, बहुत बढ़िया किरदार है, और वेब सीरीज़ हम सब जानते हैं कि आजकल ज़ोर से चल रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि और उम्मीद करता हूँ कि मेंटल हुड भी कुछ अच्छा चले. ये प्लेटफॉर्म, ये मतलब एक एक्टर के लिए बहुत बेहतरीन है मेरे ख्याल से, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म मतलब दुनिया के हर इंसान देख सकेंगे, क्योंकि अब अगर पिक्चर करोगे तो पिक्चर एक स्क्रीन पे मतलब थिएटर पे रिलीज़ होगी एक हफ्ते के लिए कम से कम, ये तो हमेशा रहेगा, और मुझे लगता है जिस तरह लोग देख रहे हैं आजकल उनके फ़ोन्स पे उनके कंप्यूटर्स पे, तो ये हमारी फ्यूचर है कॉन्टेंट का. क्योंकि ये जैसे मैंने कहा ये फ्यूचर है, सब लोग अभी उनके फ़ोन्स अपने अपने फ़ोन्स पे आईपैड्स और कंप्यूटर्स पे मूवीज़ देख रहे हैं, टीवी मतलब शोज़ देख रहे हैं, तो ये तो फ्यूचर है, तो इसलिए सारे जो एक्टर्स हैं वहाँ से मतलब वेब सीरीज़ पे डेफिनेटली कदम रखेंगे. क्या आने वाला है? हाँ जी, हाँ हाँ, जो क्रिकेट मैच जीती है ना, करेक्ट, मैं फाइनल जीत मैच है, तो सारे क्रिकेटर्स को खासतौर पर विमेन क्रिकेटर्स जो अभी खेलने वाले हैं उनके लिए मैं बेस्ट ऑफ लक देना चाहता हूँ, और हम चाहते हैं पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से चाहते हैं कि वो जीत के आए. मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, मैं एक फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ, फिल्म का नाम है हेलमेट, जुलाई 3rd वो रिलीज़ होने वाली है. हेलमेट जानते हो ना, हेलमेट वो वाला नहीं, वो हेलमेट है समझ लो, बहुत बेहतरीन पिक्चर आने वाली है.